हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। एंड लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कंट्रोल लेआउट के बारे में, जो डिफरेंट डिफरेंट लेआउट हैं हमारे, लाइक एज इन थ्री फिंगर लेआउट, फोर फिंगर लेआउट, अपने अकॉर्डिंग जो हम सेट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कस्टम लेआउट। कस्टम एज इन खुद अपने अपने कंट्रोल्स को जहाँ पे हम चाहते हैं वहाँ प्लेस कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ होती है डिफ़ॉल्ट कंट्रोल्स की, डिफ़ॉल्ट कंट्रोल्स जिनको लाइक यूज़ करने पसंद हैं एंड जो काफ़ी लंबे टाइम से डिफ़ॉल्ट कंट्रोल्स यूज़ कर सकते हैं, वो ही प्लेयर्स काफ़ी अच्छा खेलते हैं डिफ़ॉल्ट कंट्रोल्स पे। आप डायरेक्टली डिफ़ॉल्ट कंट्रोल्स पे खेल के अच्छा नहीं खेल सकते, यू नीड टू प्रैक्टिस अलॉट। मतलब ये बात थ्री फिंगर और फोर फिंगर कंट्रोल्स के लिए भी है, क्योंकि आप डायरेक्टली अगर स्विच करके आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप बहुत अच्छा खेल सकते हो तो ऐसा नहीं होगा, यू नीड टू प्रैक्टिस अलॉट। एंड सेकेंडली, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट सेंसिटिविटी, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो के एंड में आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो इज़ गोना बी अबाउट सेंसिटिविटी। तो अगर हम कंट्रोल्स में जाएँ, यहाँ पे सेंसिटिविटी का एक ऑप्शन उस पर जाएँ, तो हम यहाँ पे तीन टाइप की हमें सेंसिटिविटी देखने को मिल रही है: कैमरा सेंसिटिविटी, फायरिंग सेंसिटिविटी एंड जायरोस्कोप सेंसिटिविटी। तो मेनली कैमरा सेंसिटिविटी क्या होता है, जब आप फायर नहीं कर रहे हो उस टाइम पे, जो जब आपने स्कोप इन भी नहीं कर रखा है, तो स्टैंड उसके लाइक कैमरा सेंसिटिविटी के चार पार्ट्स हैं। जब आप फायर नहीं कर रहे हो उस टाइम की जो जितनी भी सेंसिटिविटी है, चार टाइप की हमें दिख रही है यहाँ पे। जब हम फायर नहीं कर रहे हैं तब आप लाइक सेंसिटिविटी एज इन फोन के टिल्ट करने की नहीं, वो जायरो में आ जाएगा। कैमरा सेंसिटिविटी में सिर्फ आपकी जो थंब है वो कितना मूव करना चाहिए, कि आपका कितना एम इधर उधर हो, तो वो मैटर करती है। वो मैं आपको गेम प्ले के अंदर दिखाऊंगा कि दिस इज़ कैमरा सेंसिटिविटी, दिस इज़ फायरिंग सेंसिटिविटी एंड ऑल। तो फायरिंग सेंसिटिविटी में जो आप फायर कर रहे हो उस टाइम पे, जितनी भी टाइप की लाइक चार टाइप की हमने कैमरा सेंसिटिविटी जो ऊपर देखी थी, वही सारी फायर करते हुए अगर हम देखेंगे तो वो हमारी फायरिंग सेंसिटिविटी के अंदर आती है। और लास्ट जायरोस्कोप सेंसिटिविटी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी गेम प्ले के अंदर कि दिस इज़ लाइक, वो मेरे को शायद आपको हैंड कैम में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि फ़ोन टिल्ट कितना करना है, टू कितना आपका एम थोड़ा डाइवर्ट हो, या फिर कितना आपका एम मूव करना चाहिए लेफ्ट या राइट, कितना फ़ोन टिल्ट करना है, वो सब जायरोस्कोप सेंसिटिविटी में आता है। तो एक गेम खोल लेते हैं, उसमें आपको बताता हूँ मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट सेंसिटिविटी का सीन है क्या। मेरे को नहीं लगता इसमें ट्रेनिंग ग्राउंड है, नहीं है। मल्टीप्लेयर टीडीएम की जगह मैं और कुछ लगा लेता हूँ, प्रैक्टिस वसी से आई रहा। यार ये बोट्स भी मारेंगे ही, आके मारेंगे देखना। नहीं इजी वगैरह कुछ नहीं होता, मैं जा रहा हूँ ऊपर, डालता हूँ बेटे ना। Reloading. तो मैं आप कोने में आया था ताकि हमें कोई बोट आके बीटी ना दे। हमने बोट्स के अगेंस्ट थोड़ा सा खेलना शुरू कर रखा है, ये लगा लो आप। तो भाई अगर हम सारी सेंसिटिविटी जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नंबर वन, कैमरा सेंसिटिविटी अगेन, क्योंकि लास्ट गेम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। तो स्टार्ट करते हैं सेंसिटिविटी से। कैमरा सेंसिटिविटी हमने खोल ली, चार टाइप्स की होती है: स्टैंडर्ड, एडीएस, टेक्टिकल स्कोप एंड स्नाइपर स्कोप। तो अभी फिलहाल जो हम डिस्कस कर सकते हैं वो स्टैंडर्ड और एडीएस है, क्योंकि ना तो हमारे पास टेक्टिकल स्कोप लगा हुआ है ना हमारे पास स्नाइपर स्कोप है। लेकिन यू कुड रिलेट, बाद में आप लोग रिलेट कर सकते हो। मैंने ये सब सेंसिटिविटी अपने अकॉर्डिंग अभी सेट नहीं किए हैं, थोड़ी बहुत इधर उधर कर रखी हैं। आई हैव नॉट परफेक्टेड देम, बट मैं स्टिल आपको मीनिंग बता दूंगा कि इनका मीनिंग एक्चुअली है क्या, सेंसिटिविटीज का एक्चुअल मीनिंग है क्या, ताकि आप लोग चेंज कर सको इन्हें अपने अकॉर्डिंग। तो भाई स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल अभी मैं जायरोस्कोप यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो थंब से मैंने अपना एम मूव किया लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सेंसिटिविटी, एज इन कितना मैं अपना थंब मूव करूँ तो कितना मेरा एम मूव करेगा, कितना मेरा क्रॉस एयर मूव करेगा, कितने मेरे थंब को मूव करने पे, दिस इज स्टैंडर्ड सेंसिटिविटी। अगर आप सेंसिटिविटी को बढ़ा दोगे, मैं
कम थंब मूव करूँगा तो ज़्यादा ही मूव करेगा, मतलब एज इन ये वाला सीन होता है। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरी सेंसिटिविटी है एडीएस सेंसिटिविटी। तो हमने एडीएस क्या होता है, स्कोप खोलना ऐसे। तो अगर हम स्कोप अगर हम थंब से मूव करेंगे तो कितना मैं थंब को मूव करूँगा कि कितना मेरा स्कोप खोलने के बाद मेरी स्क्रीन एज इन मेरा एम मूव करेगा, दिस इज़ हमारी एडीएस सेंसिटिविटी। और तीसरे नंबर पे आती है हमारी टैक्टिकल स्कोप सेंसिटिविटी। तो हमारे पास टैक्टिकल स्कोप भी अवेलेबल नहीं है, मेरे को एक बार मरना पड़ेगा, नहीं मरना भी नहीं शायद, टैक्टिकल स्कोप यूज़ ही नहीं कर रहा मैं अभी। तो एक स्कोप होता है टैक्टिकल स्कोप, उसमें भी आप टैक्टिकल स्कोप को एडीएस खोलोगे तो टैक्टिकल स्कोप लाइक एज इन कितना आप थंब मूव करोगे कि वो मूव करेगा, ये वाला सीन होता है, समझ रहे हो मेरी बात। और सेम फॉर स्नाइपर सेंसिटिविटी, स्नाइपर का स्कोप होता है जो 8x काइंड ऑफ लाइक काफ़ी ज़्यादा होता है, स्नाइपर स्कोप काफ़ी ज़्यादा जूम होता है, तो उसका भी अलग ही सीन है। तो सेकंड नंबर पे आती है हमारी फायरिंग सेंसिटिविटी, समझ रहे मेरी बात। तो फायरिंग सेंसिटिविटी की बात अगर हम करें तो हमारा शूट बटन है ये, तो ये शूट बटन है, शूट बटन के साथ साथ जो हम लेफ्ट राइट मूव करते हैं उस सेंसिटिविटी को बोलते हैं फायरिंग सेंसिटिविटी। एज इन आप फायर करते वक्त अपना जो एम मूव करते हो वो सेंसिटिविटी होती है फायरिंग सेंसिटिविटी। आप इन दोनों को सेम भी रख सकते हो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो मूव करते वक्त और शूट करते वक्त, आप अलग अलग भी रख सकते हो ताकि जब मूव कर रहे हो इधर उधर, अब चेक कर रहे हो कि कहाँ पे एनिमीज है कहाँ पे नहीं है, तो वो आप सेंसी हाई रख सकते हो ताकि आपको कम मूव करना पड़े, फास्ट फास्ट हो। और जब आप शूट कर रहे हो तो उस सेंसिटिविटी को आप लो रख सकते हो ताकि आपका एम जो है वो थोड़ा स्टेबल रहे। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप सेंसिटिविटी को कैसे सेट करते हो। तो फायरिंग सेंसिटिविटी में भी तीन टाइप की, चार टाइप की सेंसिटिविटी है यहाँ पे। फर्स्ट सेंसिटिविटी जो है स्टैंडर्ड फायरिंग सेंसिटिविटी, जिसमें आप बिना एडीएस खोले शूट करोगे और अपना एम मूव करोगे, दिस इज स्टैंडर्ड। और जो सेकेंड सेंसिटिविटी हो, पहले आप अपना एम खोलोगे यहाँ पे, अब जब शूट करोगे दिस इज एडीएस फायरिंग सेंसिटिविटी, समझ रहे मेरी बात। एडीएस हमने खोल लिया, फायर स्टार्ट किया, दिस इज एडीएस फायरिंग सेंसिटिविटी। तीसरा है टैक्टिकल स्कोप। टैक्टिकल स्कोप भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, लोड आउट में जाके मैं चेंज करूंगा, टैक्टिकल स्कोप लगाऊंगा तो वो अभी आपको मैं दिखा दूंगा, एक स्नाइपर और एक टैक्टिकल, वो भी मैं बात करूंगा दोबारा, हम एंटर करेंगे इसके अंदर उसमें। तो थर्ड नंबर पे आती है हमारी जायरोस्कोप सेंसिटिविटी। जायरोस्कोप के भी सेम चार पार्ट हैं, एक एडीएस और एक स्टैंडर्ड और एक टैक्टिकल स्कोप और एक स्नाइपर स्कोप। तो जो स्टैंडर्ड जायरोस्कोप है, मैं अभी थंब मैंने अपना नहीं लगा रखा राइट साइड स्क्रीन पे, मैं थंब से अपना एम नहीं मूव कर रहा, तो अभी फिलहाल जो मैं लेफ्ट राइट जो मूवमेंट है मेरे एम की, ये मेरे फ़ोन को टिल्ट करने पे है। जब मैं अपने फ़ोन को राइट साइड टिल्ट करूँगा तो मेरा एम लेफ्ट मूव करेगा, जब मैं अपने फ़ोन को लेफ्ट साइड टिल्ट करूँगा तो मेरा एम राइट साइड जाएगा। तो दिस इज जायरोस्कोप। जायरोस्कोप अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप ऑफ भी कर सकते हो, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो बिना जायरो को भी बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको जायरो पसंद है और जिनको दे फील कंफर्टेबल वाइल यूजिंग जायरोस्कोप। तो जायरोस्कोप की भी सेम चार टाइप की सेंसिटिविटी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल स्टैंडर्ड जायरोस्कोप सेंसिटिविटी, सेकेंड ऑफ ऑल स्कोप खोल के दिस सेंसिटिविटी दैट आई एम यूजिंग राइट नाउ एडीएस सेंसिटिविटी, थर्ड वन इज टैक्टिकल स्कोप एंड फोर्थ वन इज स्नाइपर स्कोप। उसके लिए हमें एक बार एग्जिट करना पड़ेगा और दोबारा लाइक लोड आउट में चेंज करके लाना पड़ेगा टैक्टिकल स्कोप और स्नाइपर स्कोप, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तीनों जो हमने सेंसिटिविटी डिस्कस किए हैं, कैमरा सेंसिटिविटी हो गई, एडीएस सेंसिटिविटी होगी और जायरोस्कोप सेंसिटिविटी होगी, उन तीनों में हमने दो दो चीज़ें भी मिस की हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, एक टैक्टिकल स्कोप और एक स्नाइपर स्कोप। और हम लोड आउट में आते हैं यहाँ पे, लेट्स चेंज द, पहले स्नाइपर ले लेते हैं यहाँ पे इक्विप, जो हमारा दूसरा लोड आउट है लोड आउट नंबर टू, उसमें भी हम काइंड ऑफ दूसरी स्नाइपर ले लेते हैं ये वाली इक्विप, दोनों इक्विप कर लिए, एक में हम स्नाइपर स्कोप लगाएंगे एक में हम टैक्टिकल स्कोप लगाएंगे। तो इसमें अगर हम अटैचमेंट लगाएं तो इसमें हम टैक्टिकल स्कोप लगा लेते हैं, इसमें हमने टैक्टिकल स्कोप लगा लिया है। अगर हम फर्स्ट वाले की अगर बात करें तो इसमें अगर हम स्कोप लगाएं तो इसमें हम लगाएंगे टैक्टिकल स्कोप, अनइक्विप कर देते हैं, तो इसमें स्नाइपर स्कोप उसमें टैक्टिकल स्कोप। एक्चुअली यू कुड रिलेट, अगर आप चाहो तो रिलेट कर सकते हो ऑलरेडी, लेकिन फिर मैं आपको दिखा देता हूँ टैक्टिकल स्कोप एक्चुअली दिखता कैसा है, स्नाइपर स्कोप किस चीज़ को बोलते हैं, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए
और लाइक चारों जो सेंसिटिविटी हमने डिस्कस की है तीन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की, वो भी आपको समझ में आएंगी। तो प्रैक्टिस वर्सेस एआई में हम दोबारा एंटर करते हैं अपने दो लोडआउट्स के साथ। तो मैप लगाए फ्रंट लाइन, तो भाई ये जो फिलहाल जो स्कोप लगा हुआ है, दिस स्कोप इज कॉल्ड स्नाइपर स्कोप, समझ रहे मेरी बात? तो ये है हमारा स्नाइपर स्कोप। तो स्नाइपर स्कोप जो हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है, इसको अगर हम डायरेक्टली ऐसे मूव करें, समझ रहे मेरी बात? तो ये है कैमरा स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी। डायरेक्टली अगर हम मूव करें इसको लगा के स्क्रीन पे, तो दिस इज कैमरा स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी। अगर हम एडीएस खोल के इसको मूव करें, तो दिस इज स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी एज इन एडीएस खोल के, समझ रहे मेरी बात? वहां पे बढ़िया नाइस शॉट। तो मैं सेंसिटिविटी एक बार चेक कर लेता, एक्चुअली सीन है क्या। तीन टाइप की सेंसिटिविटी हमने चेक की थी यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल कैमरा, कैमरा में जो स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी है वो है जब हमने स्नाइपर स्कोप खोला हुआ है, वी हैव ओपन द स्कोप। तो दिस टाइम पे जो हमारा एम मूव कर रहा है थंब से, दिस इज कैमरा स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी, समझ रहे मेरी बात? इसके बाद सेकेंडली अगर हम जो बात करें वो है फायरिंग सेंसिटिविटी। जो फायर करते वक्त स्नाइपर स्कोप की जो सेंसिटिविटी, एक्चुअली मेरे को लगता है जो नॉर्मल सेंसिटिविटी होती है स्नाइपर स्कोप की और फायरिंग होती है, उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस होगा, क्योंकि फायर हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक सेकंड के लिए। हम फायर नहीं कर रहे हैं तो हम नॉर्मल सेंसिटिविटी यूज़ कर रहे हैं, दोबारा हमने फायर किया तो मेरे को नहीं लगता इनमें कोई डिफरेंस होना चाहिए। तो थर्ड ऑफ ऑल जायरोस्कोप, जायरोस्कोप को अगर हम यूज़ करें तो फोन को, जैसे हमने स्कोप खोल लिया यहाँ पे, फोन को हम कितना टिल्ट करें कि हमारा कितना एम मूव कर रहा है, दिस इज हमारा जायरोस्कोप स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है भाई। मेरे को लगता है मैंने फर्स्ट टाइम जो सेंसिटिविटी के बारे में बताया था, मतलब इसके स्नाइपर स्कोप की, वो मैंने शायद थोड़ा गलत बोल दिया था, लेकिन फिर मैंने उसके बाद जो बताया वो आपको सही बताया बिल्कुल। तो ये हमने यूज़ कर लिया। अभी अगर हम लोड आउट को अगर हमें चेंज करना है तो अपने ही नेट से पड़ जाते हैं अभी थोड़ा सा। नेट हमने कर दिया यहाँ पे एंड हमने अपने आप को मार लिया। तो वाई कांट वी यूज अपना दूसरे वाला लोड आउट भाई? लोड आउट के लिए शायद हमें दोबारा एंटर करना पड़ेगा। तो मैंने स्नाइपर स्कोप डिस्कस कर लिया, आपको टेक्टिकल स्कोप कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी इस वीडियो में, मतलब इस वीडियो में मतलब अभी थोड़ी देर में दोबारा एंटर करेंगे राउंड गेम को। तब पहले लोड आउट में जाके हमें चेंज करना पड़ेगा, इक्विप करना पड़ेगा हमें टेक्टिकल स्कोप। ये हमारा टेक्टिकल स्कोप एंड लेट्स स्टार्ट। हो गया भाई स्टार्ट। क्रैश नाम से एक मैप लगा है, तो तीनों टाइम अलग अलग मैप लगे हैं बोर्ड्स के अगेंस्ट। तो भाई ये जो स्कोप अगर हम यूज, ये जो स्कोप यूज़ कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड टैक्टिकल स्कोप। तो टैक्टिकल स्कोप की अगर हम बात करें तो स्कोप अभी हमने खोल लिया जब हम फायर नहीं कर रहे हैं, जब हम मूव कर रहे हैं, तो दिस इज कैमरा टैक्टिकल स्कोप सेंसिटिविटी। जब हम फायर कर रहे हैं, जिस टाइम पे हम फायर करते हैं वो है फायरिंग टैक्टिकल स्कोप सेंसिटिविटी। और जायरोस्कोप की अगर हम बात करें तो स्कोप खोल के जायरोस्कोप से मूव करेंगे तो वो है जायरो की टैक्टिकल स्कोप सेंसिटिविटी। अभी मैं थंब यूज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जायरोस्कोप से मूव कर रहा हूँ। दिस सेंसिटिविटी इज वेरी लेस क्योंकि मैंने इसको कम रखा है ऑलरेडी, क्योंकि ये सिर्फ एम बूस्टिंग के लिए काम आती है। जैसे मैं ऑलरेडी थंब से यहाँ मूव कर रहा हूँ, इसके बाद थोड़ा सा टिल्ट किया राइट साइड अपने फोन को तो मेरा एम मूव हो गया। तो हमने जायरोस्कोप सेंसिटिविटी और जो हमारी नॉर्मल कैमरा सेंसिटिविटी है इसकी टैक्टिकल स्कोप की, दोनों को यूज़ कर लिया यहाँ पे। तो भाई इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर एम बूस्टिंग, मैं कहूँगा कि आपका थंब एक जगह तक ही मूव कर सकता है फ़ोन में, उसके बाद अगर आप यूज़ करना चाहते हो अपने जायरोस्कोप को यूज़ कर सकते हो टू मूव योर एम, टू बेटर योर एम। तो भाई दिस वॉज ऑल अबाउट सेंसिटिविटीज एंड नेक्स्ट वीडियो इज़ गोना बी ऑल अबाउट
लोड आउट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं. लाइक मे बी आई विल नीड एटलीस्ट टू वीडियोज़ टू कवर लोड आउट, लेकिन अगर एक में बात बनती है तो आई विल मेक अ वीडियो अबाउट लोड आउट. जो नेक्स्ट वीडियो वो लोड आउट पर होने वाली है. तो सी यू गाइज लेटर ऑन, एंड अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही. बाय.